वेलकम बैक। नेक्स्ट, इफ कंडीशन में और भी चीजें, जैसे कि अभी तक हम दिए हैं कि ए ग्रेटर देन बी हो तो दिखाओ ए इज ग्रेटर एंड वैल्यू इज ए का वैल्यू, लेकिन उल्टा करते हैं, हम ए का वैल्यू छोटा रखते हैं, बी का वैल्यू बड़ा रखते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं। अभी यहां दिखा पिछला ही वैल्यू, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, फिर से ऐसा करते हैं, इसमें छोटा वैल्यू और इसमें बड़ा वैल्यू डालते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं, यहाँ कुछ भी रिजल्ट नहीं आया। क्यों? कि हम कोड में ऑलरेडी कह चुके हैं कि ए का वैल्यू बड़ा है तब इस लाइन को एग्जीक्यूट करना है, अदरवाइज इस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करना है, तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, उसके बाद कुछ है नहीं। तो हमें ए का वैल्यू बड़ा नहीं होने की स्थिति में भी कुछ एग्जीक्यूट करना हो तो यहां पर हम यूं लिखेंगे इल्स, और इल्स के बाद भी हमें एक लाइन लिखना है, सेम यही चीज दिखाना है, तो यहां पे पेस्ट कर लेते हैं और केवल इस एक वैल्यू को बी कर लेते हैं। कुछ यूं हुआ, ए इज ग्रेटर देन, देन एग्जीक्यूट दिस, इल्स एग्जीक्यूट दिस, सॉरी हियर शुड बी बी। रिजल्ट पेज पे आते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं, पहले ए का वैल्यू बड़ा डालते हैं, बी का वैल्यू छोटा डालते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं, हमारा आया ए इज ग्रेटर देन, वैल्यू इज 9 एंड नाउ ए 4 बी 9, क्लिक ऑन ओके, बी इज ग्रेटर एंड वैल्यू इज 9, चेंज इट 8, क्लिक ऑन ओके, बी इज ग्रेटर एंड वैल्यू इज 8। एक चीज और ध्यान रखने की बात है ये कि हम a greater than b पे एक ही लाइन का स्टेटमेंट दिए हैं, यहां सेमीकोलन है, ध्यान रखना है, इस लाइन में सेमीकोलन नहीं देना है। इस लाइन में सेमीकोलन देने का मतलब है कि ये यहीं पे टर्मिनेट हो चुका, तो if को टर्मिनेट नहीं करना है यहां। if हमेशा सेमीकोलन पे टर्मिनेट होता है, यानी कि अगर a greater than b है तो या इस लाइन को एग्जीक्यूट करवाओ, लेकिन कहां तक? फर्स्ट सेमीकोलन तक केवल। लेकिन हमें अगर और भी लाइन लिखना है यहां पे जो कि a greater than b पे ही एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि कर्ली ब्रास देना होगा, यहां ऐसे स्टार्ट करना होगा और यहां बंद करना होगा। सेम इल्स के लिए भी हमें एक स्टार्ट करना होगा और इल्स को भी यहां पे बंद करना होगा कुछ ऐसे। अब क्या है कि a greater than b होने की स्थिति में यहां से लेकर, यानी इस ब्रैकेट से लेकर इस ब्रैकेट के बीच जो भी लिखेंगे वो एग्जीक्यूट करेगा केवल तब जब a greater than b हो, और नहीं है उस स्थिति में इल्स पार्ट में आएगा और इल्स पार्ट में इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट के बीच जो भी हम कोड लिखे हैं उसको एग्जीक्यूट करवाएगा। यहां पर एक ही कंडीशन हमारे पास था a और b, हम ऐसा करते हैं कि If को एक और तीसरे कंडीशन के लिए यूज करते हैं जब हमें तीन नंबर में बड़ा नंबर चुनना हो, तो यहां पर इसको सी कर देते हैं और यहां पर लेते हैं नम थ्री का वैल्यू जो कि अभी तक हमारे पास नहीं है, यानी कि स्क्रीन पे आते हैं और जो हमारा दो टेक्स्ट बॉक्स था उसको तीन कर लेते हैं, तीसरे का नाम नम थ्री कर देते हैं, कुछ और चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्लास दिया हुआ है, इफेक्ट ऑलरेडी क्लास का लेके आ जाएगा। नीचे आते हैं, हमारे पास सी में वैल्यू है, अब ए बी सी तीन वैल्यू है नम वन नम टू नम थ्री के साथ, तो अब हमें ए ग्रेटर देन बी के साथ साथ ये भी चेक करना होगा ए ग्रेटर देन सी। ये डबल एम्बरसेंट का साइन दिए हैं, ये हमेशा एंड के लिए यूज होता है, ये हम आपको यहाँ पे कमेंट में लिख दे रहे हैं कि जब भी एंड का यूज हमें करना होगा तो हम डबल एम्बरसेंट का साइन देंगे, और का जब भी यूज करना होगा तो हम डबल पाइप साइन देंगे, नॉट का जब भी यूज करना होगा तो हम एक्सक्लामेशन साइन देंगे, और नॉट इक्वल टू का जब भी यूज हमें करना होगा एक्सक्लामेशन इक्वल टू का यूज करेंगे, और जब भी इक्वल टू का यूज करना होगा तो डबल इक्वल टू का यूज करेंगे। अब यहां सिंगल इक्वल टू यूज क्यों है? क्योंकि हमको यहां इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है, जो वैल्यू आया उसे ए में असाइन करना है, स्टोर करना है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर जब भी होगा तो सिंगल इक्वल टू यूज करेंगे, लेकिन जहां कंपेयर कराना हो इफ ए इक्वल टू बी वहां हम कंपेयर कर रहे हैं, क्या ए की ए बी के बराबर है, और जब भी कंपेयर की बात आती है तो सिंगल इक्वल टू ना यूज करके डबल इक्वल टू यूज करेंगे, ध्यान रखना है। तो अब हम तीन नंबर में बड़ा निकाल रहे हैं, हम कह रहे हैं ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी है, तो ये सही है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब बी बड़ा है ऐसा हम यहां पर सीधे सीधे नहीं कह सकते, बी बड़ा है उसके लिए भी हमें चेक करना होगा।
पहले लाइन में ये तो तय है कि ए बी से बड़ा होगा तो ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा, नहीं बड़ा है यानी ए बड़ा नहीं है, ये पहले पता है अब, यानी अब बी या सी में से कोई बड़ा है तो यहां पे चेंज करेंगे और यहां पर लिखने का तरीका होगा इल्स इफ बी ग्रेटर देन सी देन बी इज ग्रेटर। यहां हम ए को चेक नहीं कर रहे हैं क्योंकि ए पहले ही, इसमें होता क्या है कि अगर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर चुका है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करता है, तो ये अगर कर चुका तो बिल्कुल ए बड़ा था, लेकिन ये अगर एग्जीक्यूट नहीं किया यानी ए बड़ा नहीं था, ये पहले ही डिसाइडेड है, अब हमारे पास बी और सी है उसी दोनों में से कोई बड़ा है तो केवल बी और सी को कंपेयर करेंगे, बी ग्रेटर देन सी देन बी इज ग्रेटर, इफ नॉट देन अगेन इल्स स्टार्ट एंड कॉपी दिस लाइन पेस्ट हियर एंड चेंज टू सी सॉरी स्मॉल सी। ध्यान रखना है कि अगर कैपिटल में डिक्लेरेशन है तो कैपिटल में ही लिखना है, स्मॉल में डिक्लेरेशन है तो स्मॉल में ही लिखना है। ये जैसे पार्स इंट की बात करें तो पार्स स्मॉल में है आई कैपिटल है, ये ध्यान रखना है, अगर पूरा पार्स इंट हम स्मॉल में लिखेंगे ये काम नहीं करेगा, ये लाइब्रेरी फंक्शन है, पहले से बना बनाया फंक्शन है, हम नहीं बनाए हैं, लेकिन गेटसम हम बनाए हैं, ये हम जैसे चाहे लिख सकते हैं, लेकिन हर जगह एक ही तरीके से लिखना है, ये भी ध्यान रखना है। तो अब ये तीन नंबर में बड़ा बताएगा, वापस आते हैं प्रीव्यू स्क्रीन पे, पेज को रिफ्रेश करते हैं और यहाँ वैल्यू डालते हैं, ए यहाँ नंबर 45, यहाँ डालते हैं 25, यहाँ डालते हैं 78 और क्लिक करते हैं ओके पे। जैसा हम देख पा रहे हैं सी बड़ा होना चाहिए, रिजल्ट इज सी इज ग्रेटर एंड वैल्यू इज 78, सही है। अब चेक, जब भी प्रोग्राम बनाए और चेक करें तो सारे प्रोस्पेक्ट को चेक करना होगा, यानी कि हर वैल्यू पे हमें बड़ा डाल के देखना होगा। तो ऐसा करते हैं, यहाँ डालते हैं अब की बार 78, यहाँ पे 25 है और यहाँ पे डालते हैं 47, ओके करते हैं, ए इज ग्रेटर अब भी सही काम किया, यहाँ पे अब और बड़ा कर देते हैं यानी 98 कर देते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं, बी इज ग्रेटर अभी भी सही है, लेकिन क्या हो जब दोनों बराबर हो, तो जाहिर सी बात है बी को इसने बड़ा कहा, क्यों ए बड़ा क्यों नहीं कहा, कारण की कंडीशन क्या था, ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी है तभी कहो ए बड़ा है, लेकिन ए ग्रेटर देन बी तो था सी नहीं था, तो वापस सेकंड कंडीशन में आया और सिंपली चेक किया क्या बी सी से बड़ा है, तो बी सी से तो बड़ा है, बी बीच वाला वैल्यू है 78, 47 से बड़ा है, तो बी इज ग्रेटर कहा जो कि एग्जैक्टली सही नहीं है, तो हमें एक कंडीशन और लगाना चाहिए था जब बराबर हो जाए, और ऐसा करते हैं इसको भी हम कर देते हैं 78 और अब ओके करें तो सी इज ग्रेटर, क्यों फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो गया, ए बी सी से बड़ा नहीं था, दूसरा कंडीशन भी फॉल्स हो गया, बी सी से बड़ा नहीं था बराबर था, तो अंत में कहा सी इज ग्रेटर। अगर देखें टेक्निकली रिजल्ट तो सही है कि 78 बड़ा है सारे नंबर में क्योंकि सारा नंबर इक्वल है, लेकिन लॉजिकली ये कहीं सही नहीं है, यहां मैसेज होना चाहिए था ऑल आर इक्वल, ठीक है, तो एक इक्वल कंडीशन को भी चेक करने के लिए होना चाहिए था जो कि हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ये आप लोग खुद अपना प्रैक्टिस करेंगे, सिंपल। इसके बाद एक और नया चीज बताते हैं, जैसे कि अभी हम कंडीशन चेक करने के लिए यूज किए हैं इफ कंडीशन का, ये कंडीशन चेक करने के लिए हम कुछ ऑपरेटर है जिसको हम टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं उसका भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमें अगर बहुत छोटा काम करना हो तो ऐसा करते हैं इसी का सेकेंड वर्जन हम लिखते हैं, इसको हम पूरा का पूरा कमेंट कर दिए यहां से यहां तक, और हम ऐसा करते हैं कि इसको फिर से लिखते हैं, हम बार बार कुछ चीज इसमें रिपीट कर रहे हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं वापस और इसके नीचे पेस्ट करते हैं, और यहां पर क्या करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट इनर एचटीएमएल यहां तक कॉमन है, इसको हम कट कर लेते हैं और इसको हम नीचे आते हैं और यहां पे पेस्ट करते हैं इक्वल टू, यहां लिखते हैं रिजल्ट। अब ये रिजल्ट क्या है, कुछ नहीं है अभी, तो ऐसा करते हैं एक वायर बनाते हैं रिजल्ट जो कि अभी ब्लैंक है और यहां लिखते हैं रिजल्ट इक्वल टू दिस, ऐसे भी कर सकते हैं रिजल्ट इक्वल टू दिस, यहां भी कर देते हैं रिजल्ट इक्वल टू दिस एंड यहां भी कर देते हैं रिजल्ट इक्वल टू दिस, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस लिखने का ये एक तरीका था।
वापस पेज पे आते हैं, रिजल्ट एक बार चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं स्क्रीन को, कोई भी वैल्यू डालते चले जाते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं। हम देखें कि कोई अंतर नहीं आया, सिंपली हमने क्या किया था, रिजल्ट को वेरिएबल में सेव कर लिए थे और अंत में एक ही बार लिख दिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी और जो भी रिजल्टेंट डिव था वो लिए, उसमें रिजल्ट स्ट्रिंग को दिखा दिए। लेकिन अब एक तीसरा तरीका, हम ऐसा कर रहे हैं कि यहां बहुत सारी चीजें फिर कॉमन है, ए इज ग्रेटर, बी इज ग्रेटर, सी इज ग्रेटर, हम सीधा दिखाना चाहते हैं। अगर ग्रेटेस्ट नंबर तो कुछ इस तरीके से होगा, ग्रेटर नंबर इज लाइक दिस वन, ऐसे। तो ऐसा करते हैं कि यहां से यहां तक जो है इसको कट कर लेते हैं, ये तीसरा तरीका रहा, और इसको एज इट इज यहां पेस्ट कर देते हैं। और अब यहां पर रिजल्ट के लिए हम एक वेरिएबल यूज करते हैं आर, तो हमें आर वेरिएबल से मतलब है। और ऐसा करते हैं कि अब ये रिजल्ट का यूज नहीं है, इसको हम शॉर्ट में आर कर लेते हैं और यहां लिखते हैं आर इक्वल टू ए। इस केस में लिखते हैं आर इक्वल टू बी और इस केस में लिखते हैं आर इक्वल टू सी, कुछ यूं, यानी कि आर हमेशा ग्रेटर नंबर को रखेगा। ए ग्रेटर देन बी एंड ग्रेटर देन सी है तो आर में ए का वैल्यू होगा, बी ग्रेटर देन सी है तो बी का वैल्यू होगा, अदरवाइज आर में सी का वैल्यू होगा, यानी आर में हर स्थिति में बड़ा नंबर है। तो ये हमारा कंडीशन काफी छोटा हो गया और अंत में हम सीधे लिख लिए जो भी हमारा है, और मैसेज भी कुछ इस तरीके का लिखे कि ए बी सी जो मैसेज में इंक्लूड कर रहे थे उसको हटा दिए, सीधे लिखे ग्रेटर नंबर इज और नंबर का रिजल्टेंट हम डिस्प्ले करवा रहे हैं। वापस पेज पे आते हैं, रिजल्ट चेंज नहीं करेगा, रिफ्रेश करते हैं और नीचे मैसेज केवल बदल जाएगा, इसमें कुछ नंबर डालते हैं, इसमें कुछ नंबर डालते हैं और यहाँ कुछ नंबर डाल के ओके पे क्लिक करते हैं, ग्रेटर नंबर इज 87, डायरेक्ट हम रिजल्ट केवल ले रहे हैं। ये रहा तीसरा तरीका, लेकिन अब कंडीशन चेक करने को हम बदलते हैं और इस पूरे को फिर से कमेंट बना रहे हैं, पहले दो नंबर। तो ऐसा करते हैं कि आर वेरिएबल हमारे पास ऑलरेडी है, नहीं कमेंट बना चुके हैं तो दोबारा डिक्लेयर कर लेते हैं एक आर नाम का वेरिएबल जिसमें कि हम रिजल्ट को सेव रखेंगे और पहले दो नंबर में चेक करना बताते हैं। तो हम लिखते हैं आर इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी है, इफ यस देन आर इक्वल टू ए, अदरवाइज आर इक्वल टू बी, सेमी कॉलन लाइक दिस। और सेम इसी को कॉपी करके यहां पेस्ट करते हैं, यानी आर के वैल्यू को हम दिखाने का काम करेंगे, ये दो नंबर में हम बड़ा चेक कर रहे हैं। अब इसकी भी जरूरत नहीं, हम इसे एक लाइन में ऐसे लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते हैं वेयर आर इक्वल टू ए ग्रेटर, यहां इफ कंडीशन का यूज नहीं हुआ है, हम सिंपली टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, आर इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी, अगर ये स्टेटमेंट जो यहां लिखा, सॉरी कंडीशन जो यहां लिखा हुआ अगर ये ट्रू है देन ये जो वैल्यू है वो आर का वैल्यू होगा, अदरवाइज कॉलोन के बाद वाला वैल्यू आर का वैल्यू होगा, यानी आर का वैल्यू हमेशा बड़ा ही होगा, ये तय है। हम दो नंबर में चेक कर रहे हैं, शुरू के दो नंबर को लेते हैं। तो वापस आते हैं, हम अपने स्क्रीन पर पेज को रिफ्रेश करते हैं और वैल्यू यहां भी कुछ डालते हैं, यहां भी डालते हैं और यहां भी डालते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं, ग्रेटर वैल्यू इज 23 क्योंकि हम इसको और इसको ए और बी को ही चेक कर रहे हैं, अभी सी को इंक्लूड नहीं किए हैं। सी को इंक्लूड करने के लिए वापस हम अपने कोड में आते हैं और एक लाइन और ऐड करते हैं, आर इक्वल टू बी ग्रेटर देन सी है देन बी अदरवाइज सी। क्या यह सही काम करेगा? एक स्थिति में सही काम करेगा, दूसरी स्थिति में गलत काम करेगा। वापस आते हैं पेज पे, जैसा कि इफ में हम किए थे कि पहली बार दोनों को चेक किए थे, दूसरी बार रेस्ट दो को चेक किए थे, तो सही काम कर रहा था लेकिन इसमें नहीं करेगा। सिंपली पेज को रिफ्रेश करते हैं और यहाँ कुछ वैल्यू डालते हैं जिसमें पहला वैल्यू बड़ा डालते हैं, दूसरा वैल्यू उससे भी बड़ा डालते हैं और तीसरा वैल्यू उससे भी बड़ा डालते हैं, रिजल्ट क्या होगा? तो रिजल्ट है ग्रेटर इज 98, सही है, यानी अंतिम वैल्यू बड़ा है। अभी हम अंतिम वैल्यू को न बड़ा करके बीच वाले वैल्यू को बड़ा रखते हैं, तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 56 कर देते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं। अब की कहा बी इज ग्रेटर, वापस आते हैं और पहले वैल्यू को बड़ा कर लेते हैं, यानी अब 98 कर लेते हैं, ये 98 है, 78 है, 56 है, ओके पे क्लिक करते हैं, लेकिन अभी भी कह रहा है बी बड़ा है। क्यों? क्योंकि रिजल्ट जो है हमारा ओवर राइट हो गया, आर में ए बी से बड़ा निकाला लेकिन आर तो यहां आके रिप्लेस हो चुका,
तो ऐसा करते हैं ना कि आर जो बड़ा निकाला उस नंबर को हम कंपेयर क्यों ना कर ले डायरेक्ट सी से, कि हम फिर से कंपेयर अलग कर रहे हैं, यानी ये गलत रिजल्ट दे रहा है। तो हमें हमको यहां लिखना चाहिए था कि इफ आर ग्रेटर देन सी देन आर अदरवाइज सी, ऐसे लिखना चाहिए था। अब ये सही काम करेगा, लेट्स चेक, रिफ्रेश कर लेते हैं और फिर से वैल्यू डालते हैं इसमें, इसमें और इसमें। फर्स्ट कंडीशन में सही है, सेकंड कंडीशन की बात करें तो सेकंड कंडीशन में हम इसको बड़ा कर देते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं, सही है। थर्ड कंडीशन में इसको बड़ा कर देते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं, सही है। यानी अब हमारा सारा कंडीशन सही काम कर रहा है, लेकिन हम यहाँ पर एक और चेंज कर सकते हैं कि हम इतना जो लिखे हैं यहां तक वो केवल इसलिए कि एक तीसरा नंबर इंट्रोड्यूस था। तो ए ग्रेटर देन बी है, और अगर इसे एक ही लाइन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो हम इसको एज इट इज रहने देते हैं, इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, और ऐसा करते हैं इसी को कॉपी पेस्ट मार के ये चीज हम एक लाइन में लिखने की कोशिश करते हैं। तो हम लिख रहे हैं वायर ए ग्रेटर देन बी एंड, यहीं पर एंड ऐसे लिख सकते हैं, ए ग्रेटर देन सी देन ए इज ग्रेटर, करेक्ट, अदरवाइज नॉट बी इज ग्रेटर, देन अदरवाइज में क्या करेंगे। तो ऐसा करते हैं कि इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम यहां से यहां तक एक ब्रैकेट डालते हैं। ये सही है कि a ग्रेटर देन b है एंड a ग्रेटर देन c है, a बड़ा है, लेकिन a जब बड़ा नहीं है तो यहां हमें फिर से कुछ कंडीशन चेक करना है, तो एक और यहां ब्रैकेट डाल लेते हैं, अलग हो जाएगा। तो के स्थिति में b ग्रेटर देन c है, अगर है तो b बड़ा है, नहीं तो c बड़ा है, एक लाइन में लिख दिए। अब ये काम कैसे करेगा, रिजल्ट पहले देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं और तीनों में कुछ वैल्यू डालते हैं, ओके करते हैं, रिजल्ट सही है। बीच वाले को बड़ा कर लेते हैं, रिजल्ट सही है। फर्स्ट वाले को बड़ा कर लेते हैं, रिजल्ट सही है। यानी कि ये अब एक लाइन में भी हम लिख सकते हैं, थोड़ा पढ़ने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है लेकिन ये इजी है। हम कंडीशन जो इतना बड़ा यहाँ पे लिखे थे या इतना बड़ा यहाँ पे लिखे थे उसको हम एक लाइन में सॉल्व कर दिए, इस लाइन की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से हटा लेते हैं, और इस तरह से हमारा इफ स्टेटमेंट यहाँ पे कंप्लीट होता है। लेकिन इफ का एक और अल्टरनेटिव होता है स्विच, वो उसका बिहेवियर कुछ डिफरेंट होता है और कुछ उसमें डिफरेंट टाइप का हम काम कर सकते हैं, उसके बारे में बताएंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही।